हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शालिनी। आज हम पहली क्लास लेने वाले हैं प्रबल बैच की। तो सबसे पहला आज प्रबल बैच फॉर क्लास 11th, क्योंकि आज हम पहली क्लास लेंगे एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 आपका जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसकी आज पहली क्लास है। पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, मुझे काफी सारे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट कर रहे थे एंड उनको डाउट्स हैं कि किस तरह से ग्रुप में ऐड होना है। तो मैं आप सबको बता देती हूँ। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ टेलीग्राम चैनल का, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल में ज्वाइन हो जाइए एंड उसके बाद में आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, जहाँ पे आपको मेरी सभी क्लासेस की और लिंक्स, टाइमिंग, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताती हूँ। ये जो चैप्टर है ना, दिस चैप्टर, ये चैप्टर गलत है। चैप्टर गलत है मतलब इस चैप्टर की वजह से जो बच्चे फ्लक्चुएट करते हैं क्लास 11th में, सोचते हैं कि हम साइंस लें या कॉमर्स लें या आर्ट्स लें, इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं क्लास 11th में आने के बाद, तो उनका ये पक्का हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि हमें साइंस नहीं करनी है। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। उनको क्लियर हो जाएगा कि हमें नहीं करनी है साइंस, हम कॉमर्स या आर्ट्स पढ़ लेंगे, क्योंकि हमसे ना हो पाएगा, ठीक है। जो ये चैप्टर है बच्चों, ये फर्स्ट नंबर पे लगा दिया गया है एंड थोड़ा सा बच्चे नहीं करते हैं इसको अच्छे से, पर हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे एंड मैं आपको आज मोल कॉन्सेप्ट्स टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आपको इतना इजी वे में शायद पहले कभी किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो क्वेश्चंस, आप लोग जो बच्चे पहले मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस नहीं कर पाते थे, वो स्टूडेंट्स भी क्वेश्चन करेंगे एंड उनको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, हम उन्होंने आज कुछ सीखा है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको पहली चीज़ बता दूँ कि इस चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो रिमूव हो चुका है एज पर द CBSE गाइडलाइंस ऑफ दिस ईयर। तो क्या क्या रिमूव हुआ है? सबसे पहले जो बेसिक कैलकुलेशंस वाला पार्ट था, टेम्परेचर, वॉल्यूम, यूनिट्स, SI यूनिट्स, ये सारी चीज़ें, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सारी चीज़ें, सम बेसिक रूल्स और जो आपके प्रिंसिपल्स थे केमिस्ट्री में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस तरह से बहुत सारे लॉज थे, वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं। अब क्या क्या चीज़ें कहाँ से पढ़ना है हमें? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब हट गया है, हमें पढ़ना है एटॉमिक मास से। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो रहेगा टॉपिक पढ़ने का वो रहेगा एटॉमिक मास, ठीक है बच्चों? एटॉमिक मास। तो बहुत आराम आराम से करेंगे हम चीज़ों को, बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो पहला हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? सिंपल सी बात है, एटम का मास है ना, एटम का मास हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? क्योंकि एटम ऐसी चीज नहीं है ना कि आप उसको देख सकते हो या आप उसको फील कर रहे हो या आप उसको लेके जाओगे एटम को और मेजरिंग जहां पे मेजर करते हैं वहां पे रखोगे और मेजर कर लोगे, इट इज नॉट पॉसिबल ना। तो हम इसको मेजर नहीं कर पाते हैं। तो जब आप एटॉमिक मास मेजर नहीं कर पाएंगे तो बाकी सारी कैलकुलेशंस हम फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ चीज़ें लाई गई, कुछ चीज़ें समझी गई। तो एटॉमिक मास एक्चुअली बच्चों होता क्या है? तो एटम का हम मास डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कार्बन 12 जो होता है, कार्बन 12 से कंपेयर किया जाता है किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ के मास को, कि हाइड्रोजन को कंपेयर करें अगर हम, या ऑक्सीजन को कंपेयर करें, या फिर हम फ्लोरीन को कंपेयर करें, किसी भी चीज़ को। तो एटॉमिक मास इज जस्ट अ कंपैरिजन बिटवीन कार्बन 12 एंड अदर एटम्स। तो बच्चों होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि ये कार्बन 12 है, ये इसमें 12 ब्लॉक्स बनाए हैं मैंने, तो ये C12 है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन जो एटम है वो काफ़ी छोटा होता है। हाइड्रोजन जो है ना बच्चों, वो इसके एक ब्लॉक के बराबर है,
ठीक है, तो इसका मतलब मुझे जब कार्बन 12 के बराबर करना है मास में, तो मुझे हाइड्रोजन के कितने एटम्स लेने पड़ेंगे, मुझे उसके 12 एटम्स लेने पड़ेंगे, है ना, 12 लेने पड़ेंगे। तो कार्बन के कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन है वो बहुत हल्का है, तो इसलिए हम हाइड्रोजन को तो मानते हैं 1 और कार्बन को रखते हैं 12, इसी तरह से ऑक्सीजन को रखते हैं 16। तो ये बेस्ड ऑन देयर मास है, ठीक है। तो ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि क्या होता है, तो हम चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो डेफिनेशन लिखेंगे एटॉमिक मास की, एंड आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा होता क्या है एटॉमिक मास। आप नोट्स बना सकते हैं साथ साथ। एटॉमिक मास इज द क्या क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, हम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन चारों चीजों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। मैं एक डेफिनेशन लिखवाऊंगी एंड फिर आपको समझा दूंगी कि आपको किस तरह से लर्न करना है, किस तरह से दोनों में या चारों डिफरेंस डेफिनेशंस में डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो एटॉमिक मास इज द गिवन नंबर दैट indicates how heavy an element is with respect to। बच्चों किस चीज के रिस्पेक्ट में, मैंने बताया ना अभी आपको हमने क्या स्टैंडर्ड लिया हुआ है। तो एटॉमिक मास हम जब यहाँ पे ले रहे हैं, एटॉमिक मास इज द गिवन नंबर, ये क्या है, एक गिवन नंबर है दैट इंडिकेट्स, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हाउ हैवी एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को कंपेयर किया कार्बन 12 से ना, तो हमने कंपेयर कर लिया कि कौन कितना हैवी है या लाइटर है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12, ठीक है। तो हमने एक नंबर डिसाइड कर दिया। अब आप लोग पूछोगे मैम कार्बन 12 को ही क्यों लिया गया, बेटा इससे पहले ऑक्सीजन को एंड हाइड्रोजन को भी लेके देख चुके हैं, बट उससे भी कैलकुलेशंस इतनी इजी नहीं हो पाई, तो कार्बन 12 को ले लिया गया एज अ स्टैंडर्ड। तो ऐसा नहीं है इट वाज अ फर्स्ट अटेम्प्ट, इससे पहले भी और अटेम्प्ट किए जा चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो अब बात आती है कि एटॉमिक मास जो है वो उसकी हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास 1 मान रही हूँ, कार्बन के लिए 12 मान रही हूँ और ऑक्सीजन के लिए मैं इसको 16 रख रही हूँ, तो इसी तरह से मैं जो एटॉमिक मास लेने वाली हूँ यहाँ पे जो भी होगा एटॉमिक मास, अगर मैं इनके आगे ग्राम लगा दूँ, जैसे हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम, कार्बन के लिए 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन के लिए 16 ग्राम, तो आप बोलोगे मैम एटॉमिक मास की यूनिट क्या थी, इसकी यूनिट थी बच्चों, एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट जिसको अब क्या ले लिया गया, आजकल हम इसको लेते हैं यूनिफाइड मास जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है यू, और पहले इसको कहा जाता था AMU, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यूज होती हैं, AMU भी और यू भी यूज होता है, इसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लिखा है स्टूडेंट्स, इसके आगे आप यू लगा दीजिए, 1U, 12U, 16U, तो ये जो डिफरेंस है दोनों में एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है, ग्राम एटॉमिक मास इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक मास इन ग्राम्स। अगर हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको सिंपल कह दिया जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत बेसिक सी चीज बताऊंगी मैं आपको।
एटॉमिक मास होता है एटॉमिक मास क्या होता है? किसका मास होता है? एक एटम का होता है, वन एक एटम का मास, ठीक है? ये समझ में आ गया? एटॉमिक मास एक एटम का मास है, बहुत छोटे एटम का, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो एक एटम का मास जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा, ठीक है, इसलिए हमारे हमारे लिए उसकी यूनिट क्या है? यू, एटॉमिक मास यूनिट AMU। बट अगर मैं कहूँ कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो वो है 1 ग्राम। एक ग्राम एटम या फिर 1 मोल का मास। अब समझो इसमें मैंने क्या लिखवाया आपको, मैंने लिखवाया है एटॉमिक मास एक एटम का मास है जो बहुत छोटा है, जिसके बेस पे हम कैलकुलेशन करना हमारे लिए मुश्किल है। तो ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल का मास होता है। 1 मोल कितना होता है बच्चों? अब आते हैं मोल कंसेप्ट पे। 1 मोल कितना होता है? मोल को बताऊंगी मैं आपको। जैसे 1 डजन का मतलब होता है 12। 1 डजन बनाना मीन्स 12 बनानास, राइट? 1 डजन पेन मीन्स 12 पेन्स। 1 डजन पेंसिल्स मीन्स 12 पेंसिल्स। इसी तरह से डजन कुछ भी हो, 1 डजन स्टूडेंट्स मतलब, डजन मतलब 12, है ना? ऐसे ही मोल का मतलब क्या होता है? मोल का मतलब होता है 6.022 × 10²। ठीक है, कुछ भी चीज अगर इतना होगा तो उसको मोल कहा जाएगा, ठीक है? तो अगर इतने पार्टिकल्स, इतने एटम का अगर हम मास देखें, ठीक है, तो वो कितना आएगा? वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर आएगा। मतलब अगर मैं 6.022 × 10²³ हाइड्रोजन एटम का मास देखूंगी तो 1 ग्राम आएगा। अगर मैं इतने कार्बन एटम का मास देखूंगी तो 12 ग्राम आएगा। इतने ऑक्सीजन एटम का मास देखूंगी तो वो 16 ग्राम आएगा। बस ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है बच्चों? तो चलिए आगे हम सिर्फ लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। देखो आपको किस किस के लर्न करने हैं एटॉमिक मास, वो भी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है? किस किस के एटॉमिक मास आप लोग लर्न करोगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनके तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। कैसे कैसे किस किस के याद करेंगे? मैं आपको एटम्स एलिमेंट्स जो है वो बोल देती हूँ। आप एल्यूमिनियम का याद कर लीजिए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इसके अलावा सल्फर एंड सिल्वर, एंड इसके अलावा आप कैल्शियम का, क्लोरीन का, कॉपर, इनका याद कर लो, फ्लोरीन का याद कर लो क्योंकि ये आते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में, आपके काम आ सकते हैं। हीलियम, आयोडीन, आयरन, मैं कॉमन कॉमन बता रही हूँ, मतलब ये तो लर्न होने ही चाहिए, अदरवाइज कई बार क्वेश्चन में दिया भी होता है, क्वेश्चन में कई बार नहीं भी दिया होगा, तो डोंट डिपेंड ऑन दैट, इतने लर्न कर लेना, ठीक है? इट्स बेस्ट। तो आप एक और लिख देती हूँ, मैग्नीशियम, Mg इज इम्पॉर्टेंट, आता है कई बार, नाइट्रोजन, ठीक है, एंड इसके अलावा सोडियम हो गया बस, और जिंक। ये कॉमन एलिमेंट्स मैंने आपको लिख के दे दिए हैं, इनके आप लोग जहाँ भी नोट्स प्रिपेयर करोगे वहाँ पे इन सब के क्या करने हैं? लर्न करने हैं क्या? एटॉमिक मास, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों? ये आपका जब आप मैप पढ़ोगे जो मैंने आपको कराया है तो ये आपको लर्न करना है, ये आपका होमवर्क है, बिकॉज यही जो है वो क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा, ठीक है? तो ये आपको लर्न कर लेने हैं, टेबल बुक में दी हुई है, जो भी आप बुक फॉलो करोगे। बुक कौन सी फॉलो करोगे? NCERT इज मस्ट। NCERT के साथ साथ क्या करो? एक रेफरेंस बुक रख लो, एक रेफरेंस बुक रख लो कोई भी, ठीक है? इसके अलावा जब जो बच्चे एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की या ITJE की, तो वो अपने एग्जाम के रिस्पेक्टिव में एक बुक ऐसी परचेज कर लें जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हों, न्यूमेरिकल्स हों, ठीक है? तो मैं ऐसी बुक भी आपको सजेस्ट कर दूंगी, आने वाले टाइम में मैं ऐसी वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं बुक्स के रिव्यू दे दूंगी आपको कि कौन सी बुक आपको फॉर योर एग्जाम परचेज करनी चाहिए। वैसे भी अभी आपके पास टाइम है, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं तो वो बच्चे एक MCQs की अच्छी सी बुक जो है वो परचेज कर लेंगे अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो इतना आपको लर्न करना है, तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। अभी डिस्कस कर लेते हैं
मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो वही चीज है, जैसे एटम का मास था वही मॉलिक्यूल का मास हो गया। तो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या चेंज आएगा बच्चों? जो डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर दिखाई है ना एटम की, एटमिक मास की, वही डेफिनेशन मॉलिक्यूलर मास की रहेगी सेम। ठीक है, बस क्या चेंज करना है वो बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है एटॉमिक मास इज द गिवन नंबर दैट इंडिकेट्स हाउ हैवी एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू कार्बन 12। आप इसको करोगे हाउ हैवी एन ए मॉलिक्यूल इज, इसको बस मॉलिक्यूल कर लेना एटम को। ठीक है, अगर इसको मॉलिक्यूल कर लोगे, और हम कंपेयर तो कार्बन से ही करते हैं भाई। देखो आप लोग शॉप पे जाते हो, आप कुछ सामान परचेज करते हो, कुछ भी आप सामान परचेज करते हो, तो आपको चाहिए 1 kg शुगर। तो 1 kg शुगर वो शॉपकीपर आपको अंदाजे से तो देगा नहीं, वो उसने लिया पॉलीथिन और आपको 2 मुट्ठी या 3 मुट्ठी जो है उसने भर के आपको दे दिया और कह दिया कि बेटा जाओ 1 kg हो गया। तो क्या आप उसको घर पे लेकर के आ जाओगे? अगर घर पे लेकर के आ जाओगे तो मम्मी पापा धुलाई करेंगे तुम्हारी, ऐसा नहीं करते हम लोग, है ना। क्या करते हैं, देखते हैं कि उसने ढंग से मेजर किया है या नहीं। मेजर कैसे करेगा वो? एक तरफ रेफरेंस रखेगा 1 kg का, उसके पास होता है ना एक 1 kg का बाट, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, 1 kg का स्टैंडर्ड उसके पास होता है। एक तरफ वो रखता है और एक तरफ वो पॉलिथीन में रखता है चीनी वीनी जो भी चाहिए आपको। तो आप देखते हो कि हाँ भाई दोनों इक्वल हैं, तभी आप परचेज करते हो। तो हेयर वी आर कंपेयरिंग एवरी एटम विद कार्बन 12, C12 के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। एंड बच्चों C12 क्या है, यहाँ पे मैंने बताया आपको, ये जो आप देख रहे हो मैंने कंपैरिजन बता दिया कि कार्बन में अगर 12 ब्लॉक्स हैं तो हाइड्रोजन में एक ब्लॉक है, ये कंपैरिजन है उनका। ठीक है ना, तो ये कंपैरिजन आपको माइंड में रखना होता है कि क्या करना है। ठीक, तो आपको डेफिनेशन में यही लिखना है, सेम डेफिनेशन कॉपी कर लेना। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सपोज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर CO2, तो कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ऑक्सीजन इज 2 times हेयर 16। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 44U। ठीक है, तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह से अगर आपको निकालना है C6H12O6 का, ठीक है, तो कैसे करेंगे, 6 × कार्बन का 12 है प्लस 12, हाइड्रोजन का कितना लेना है बच्चों में 12 टाइम्स है ना हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन है कितने, मतलब कितना लेते हैं 1.008, तो 0.008 कैन बी निगलेक्टेड, तो उसको आप ले सकते हैं प्लस 6 टाइम्स। ऑक्सीजन का कितना लेते हैं हम लोग, हम लेते हैं ऑक्सीजन का 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करके देख लेना, आई थिंक 108 आएगा। ठीक है, हाँ इतना आएगा शायद 108 ग्राम, 108U, क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, अच्छा कैलकुलेट कर लेना मेरे से मत, बाद में मत कहना मैम गलत बताया आपने। तो आगे चलते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऐसे कैलकुलेट करेंगे, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, अगर हम इसी चीज को ग्राम में कन्वर्ट कर दें 44 ग्राम, और इसी को हम लिख दें 108 ग्राम, तो ये कब आएगा इतना, कब आएगा इतना, ये आएगा जब हमारे पास CO2 1 मोल होगा, 1 मोल CO2 का इतना मास होगा कितना 44 ग्राम, 1 मोल ग्लूकोज का कितना होगा 108 ग्राम। और ये आया कैसे, इसको हम कैलकुलेशन में सीखेंगे कब, जब हम मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत इजीली न्यूमेरिकल कराऊंगी, इतना आपने न्यूमेरिकल मोल कॉन्सेप्ट का कभी सोचा भी नहीं होगा, बुक में भी नहीं मिलता आपको इतना इजीली एक्सप्लेन करा हुआ, तो मैं आपको बहुत ईजी वे में कराने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया है, हमने पढ़ लिया क्या मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू, ये हमने डिस्कस कर लिया है, नाउ वी आर कमिंग टू मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट का बहुत बेसिक्स कराने वाली हूँ, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगी, बाकी आप घर पे प्रैक्टिस करना उसके बाद। ठीक है, तो चलिए ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन पुट द हेडिंग मोल कॉन्सेप्ट्स।
मोल कंसेप्ट। जैसे सामने लिख दो डरने का नहीं, हम नहीं डरेंगे ठीक है इस तरह के क्वेश्चन से, तो बच्चे छोड़ देते हैं ये कॉन्सेप्ट। बट ऐसा नहीं है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर से, एक मोल कंसेप्ट और एक स्टोशोमेट्री। यही तो कंसेप्ट है जिस जो बहुत सारे बच्चों को साइंस से कॉमर्स में शिफ्ट कर देता है, आप लोगों का कॉम्पिटिशन कम कर देता है। तो डोंट प्रूव देम कि तुमने साइंस में बैठ करके ये सीखा ही नहीं, ये सीखना है और अच्छे से क्वेश्चन करने हैं ठीक है। तो डरना नहीं किसी चीज से। चलिए बच्चों, मोल कंसेप्ट में मोल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया आपको, डजन का मतलब होता है 12। मतलब अगर मैं कहूँ 1 डजन पेंसिल, तो कितने पेंसिल? 12 पेंसिल्स, राइट। अगर मैं कहूँ 1 1 डजन एटम्स, तो कितने एटम्स? 12 एटम्स। क्लियर है ना ये बात? मैं बोलूँ 1 डजन गधे, तो इज इक्वल टू 12 गधे, है ना? क्लियर है ना ये बात? एकदम समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं मोल की। सेम इसी चीज पे डिपेंड है मोल। तो बच्चे 1 मोल का मतलब होता है 6.022 × 10³। चाहे कुछ भी हो ठीक है। मैं कहूँ अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो इसका मतलब कितना एटम हो जाएगा? 6.022 × 10³ एटम्स, इतने एटम्स हो जाएंगे बच्चों। और अगर मैं कहूँ कि 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल, तो कितने मॉलिक्यूल्स? कितने मॉलिक्यूल्स? 6.022 × 10³, इतने CO2 के मॉलिक्यूल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोल इज नथिंग बट अ नंबर ठीक है। व्हाट इज अ मोल? इट इज अ नंबर ठीक है ना, एक नंबर है ये सिर्फ, इसे डरना नहीं है। चलिए अब मैं आपको कुछ दो तीन फॉर्मूले लिखवाऊंगी और उससे ही बात बन जाएगी हमारी सारी। तो पहला फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, न्यूमेरिकली इट इज सेम। तो गिवन मास बच्चों क्या होता है? इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हो कि 20 ग्राम या 30 ग्राम या 50 ग्राम ऑफ दिस थिंग ऑफ दैट थिंग, तो वो गिवन मास होता है ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू, और मोलिकुलर मास होता है, इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एम से ठीक है ना। ये तो हो गया फॉर्मूला नंबर 1। हम लिखते हैं फॉर्मूला नंबर 2। दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ये इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने कौन सी चीज? पार्टिकल्स का मतलब क्या? पार्टिकल्स का मतलब या तो एटम या मॉलिक्यूल या आयन, कुछ भी हो सकता है ये। एटम मॉलिक्यूल आयन कुछ भी, पार्टिकल मतलब कुछ भी, एटम मॉलिक्यूल आयन। नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है बच्चों, एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है आपको पता है ना? वही 6.022 × 10³, यही नंबर आपको यूज करना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल को हम स्मॉल एन से नोट कर लेंगे, एवोगैड्रो नंबर को कैपिटल एन ए लिख लेंगे ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको समझ में आया, दो फॉर्मूले लिखवाए मैंने। पहला फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला इज गिवन मास बाय मोलर मास ठीक है, डब्ल्यू बाय एम। दूसरा फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का? नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। तीसरा फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स बाय 22.4 लीटर। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, इसको कैपिटल वी लिख लो, इसको 22.4 लिख लो। तो बच्चों मैंने तीन फॉर्मूले लिखे हैं स्क्रीन पे, तीनों फॉर्मूले समझ में आ गए आपको, तीनों फॉर्मूले को रट लो ठीक है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन तीनों फॉर्मूले को इक्वल करके लिख सकती हूँ आपस में? मतलब मैं डब्ल्यू बाय एम इज इक्वल टू एन बाय एन ए इज इक्वल टू वी बाय 22.4 लिख सकती हूँ क्या? क्या ये सही है? यस और नो?
सही है ना, ये सारी चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सारी चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है उसी का नंबर रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये है सब नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। ठीक है, ओके। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, उस क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और आपको दे दिया गिवन मास, गिवन मास बोल दिया, CO2 का निकालो और 10 ग्राम CO2 है। ठीक है, सिंपल है, W की जगह पे 10 ग्राम पुट कर दोगे, 10 मोलर मास CO2 का कितना होता है अभी हमने निकाल के दिखाया आपको, कितना होता है 44। ठीक है, 44 पुट कर देंगे उसको, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अगर आपको फॉर्मूला सिर्फ इस चीज पे ही बेस्ड निकालना है, एक ही फॉर्मूले पे, तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 100 एटम हैं किसके, ऑक्सीजन के, तो नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पे आप एटम 100 पुट कर देने वाले हो, नीचे एवोगाड्रो नंबर पुट करोगे और सॉल्व कर दोगे। ठीक, नेक्स्ट, तो मतलब ये भी एक फॉर्मूले पे डिपेंडेंट क्वेश्चन हो गया। अगर मैं कहूँगी नंबर ऑफ मोल्स निकालिए और वॉल्यूम दिया जाए आपको, कितना लीटर में दे दिया, मान लीजिए 44.8 लीटर दे दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 44.8 लीटर पुट कर देंगे और नीचे 22.4 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स 2 आ जाएगा। तो आप ये भी कर लेंगे इजीली। बट अगर आपको एक चीज़ तो यहाँ से प्रोवाइड करा दी और एक चीज़ यहाँ से प्रोवाइड करा दी और तीसरी चीज़ आपसे निकलवा ली, तब आप कैसे करेंगे, उस केस में आपको ये वाला रिलेशन जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वहाँ पे आपको ये काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको, इसके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी, आज मैं एक दो क्वेश्चंस करा देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम नंबर ऑफ मोल्स के ही जो मैंने आज बताया ना, इसी के बेस्ड कम से कम मैं आपको 20-30 क्वेश्चंस कराऊंगी, एंड उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स का गलत नहीं होगा, इट्स माई गारंटी। ठीक है बच्चों, तो ओके स्टार्ट करते हैं हम। क्या कर रही है, ओके तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना अपने आप से। तो बच्चों क्वेश्चन लिख लेते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ, पहले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ही करा देती हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, पहले इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि डिफिकल्ट तो फिर करना ही है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन तो डायरेक्ट वैसे आएगा नहीं। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है बच्चों, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले उसको हम नोट कर लेते हैं। तो आंसर लिखेंगे क्या क्या गिवन है, H2SO4 गिवन है। ठीक है, गिवन मास W कितना गिवन है, 4.9 गिवन है। ठीक है ना, 4.9 क्या है हमारा, गिवन मास है W, एंड H2SO4 क्यों दिया है उसने हमसे, कैपिटल एम मोलर मास कैलकुलेट करवाने के लिए। तो बच्चों हाइड्रोजन के लिए कितना यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन के लिए यूज करेंगे हम लोग 1, और हाइड्रोजन है कितनी बार, 2 टाइम्स, प्लस सल्फर के लिए 32, प्लस ऑक्सीजन के लिए 4 टाइम्स ऑफ 16। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 98 U। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसका नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास कितना है बच्चों, 4.9 डिवाइडेड बाय 98 हमारे पास मोलर मास था, तो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/20। ठीक है, 1/2 का मतलब है 0.5 और नीचे 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.05 मोल्स, इतना आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, ओके सही है, समझ में आ गया सबको, कैसे करना है इस तरह के और क्वेश्चंस घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, एंड
इंटरमिक्सिंग वाले क्वेश्चन भी करके देखना, जैसे मैंने आपको बताया है अभी अभी कि इस वाले फॉर्मूले पे भी जो क्वेश्चंस हैं ये वाले करने की कोशिश करना, एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने क्वेश्चन किए और आपसे हो गए। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, एंड जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगी। एंड उसके बाद थर्ड क्लास होगी हमारी, उसमें हम लाइव क्वेश्चंस करेंगे, लाइव क्लास लेंगे और मैं साथ साथ क्वेश्चंस पुट करूंगी एमसीक्यूज में, आप लोग साथ साथ सॉल्व करना। तो बच्चों आज की क्लास मेरी यहीं तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है ग्रुप ज्वाइन करने में वो सारे मुझे टेलीग्राम आईडी में मैसेज कर देना, मैं आप सबको ऐड कर दूंगी उसके अंदर। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's